साइलेंसर के अंदर कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है जो हर कार में रहता है। इसे लोग निकाल कर इसको तोड़ कर बेच सकते हैं। और ये कैटेलिटिक कन्वर्टर बहुत महंगा होता है जो रोडियम और पैलेडियम जैसी कीमती धातु से बना हुआ आता है। तो ये जो आगे का हिस्सा है इसकी चोरी ज़्यादा होती है, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पिकेश और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इको के साइलेंसर की चोरी क्यों और कैसे होती है। यह लोकल मार्केट का असेंबल एग्जॉस्ट पाइप जो इस भाई ने लगवाया था, क्योंकि उनका ओरिजिनल साइलेंसर किसी ने निकाल लिया था। तो हमने ये असेंबल साइलेंसर इन्होंने लगवाया था तो ये हमने निकाल दिया है और फिर से हम ओरिजिनल साइलेंसर फिट किया है गाड़ी में। इसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है दोस्तों, 2000-2500 के आसपास ही आप बाज़ार में मिल सकता है लोकल मार्केट में असेंबल। लेकिन इसे लगाने के बाद इनकी गाड़ी सीएनजी में स्टार्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि साइलेंसर के साथ वो लोग इसका ऑक्सीजन सेंसर जो यहाँ पर फिट होता है वो भी निकाल कर ले गए थे। यहाँ पर दो बोल्ट रहे थे जिससे साइलेंसर खोल सकते हैं हम, और ऊपर एक मफलर रहता है जिसके ऊपर ये हैंग होता है साइलेंसर, और पीछे की ओर दो बोल्ट रहते हैं। तो ये असेंबल साइलेंसर हमने खोल दिया है और ओरिजिनल लगा दिया है, जिसकी कीमत 47,000 से आसपास थी। और तो यहाँ पे जो रेंच रहता है स्पैनर वो लग नहीं पाएगा और किसी कोई इसे खोल नहीं पाएगा। इसकी कीमत अभी 74,000 लेटेस्ट मॉडल की है और ये बंदे का 2018 का मॉडल है, तो इनको 47,000 के ऊपर कुछ अमाउंट था और सेंसर का 2200 एक्स्ट्रा दिया था इन्होंने। कुल मिलाकर इनको 51,000 खर्चा हो गया है। ये जो आगे के बोल्ट है जिसके नीचे स्प्रिंग दबा हुआ है इसके ऊपर वेल्ड कर देना है। एक बोल्ट को तो हमने वेल्ड कर दिया है, अब दूसरे बोल्ट को लगा रहे हैं। अगर आपने नई कार ली है तो ये बहुत ज़रूरी करना ज़रूरी है, तो आपके साइलेंसर की सेफ्टी हो जाएगी और कोई गैरेज वाला इसको खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं फिर से कहूँगा, हम हर गैरेज वालों की बात नहीं कर रहे हैं। 100 में से 4-5% लोग होते हैं
जो आपके साइलेंसर को खोलकर उसमें से फिल्टर तोड़ के उसकी मिट्टी निकाल कर उसको वापस फिट कर देते हैं। आपके साइलेंसर की आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है तो कई लोगों को पता चलता है और कई लोग को नहीं समझ आता है। फिल्टर निकालने के बाद आपकी साइलेंसर की आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है गाड़ी की। थैंक यू फ्रेंड्स।